सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय है हिंदी व्याकरण संधि के भेद। संधि की परिभाषा और भेदों के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दो स्वरों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। और संधि के भेदों में आपको बताया जा चुका है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेदों के बारे में आप जान चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयाद संधि। आज हम वृद्धि संधि के बारे में जानकारी करते हैं। वृद्धि संधि क्या है? जब छोटा आ बड़ा आ के आगे क्रमशः ए, ए, ओ, औ आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। अब वृद्धि संधि को उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। वृद्धि संधि छोटा आ बड़ा आ के बाद या, ओ, औ आने पर पहले और दूसरे स्वरों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे छोटा आ जमा ए बराबर आए, जैसे ए जमा ए बराबर एक आए। आप देखिए प्रथम पद ए की अंतिम ध्वनि का में छुपा हुआ आ और दूसरे पद का ए, तो छोटा आ और ए मिलकर हो गए आए, तो इस तरह ए जमा ए बराबर एक आए। दूसरा है बड़ा आ जमा आए बराबर आए, जैसे महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। अब देखिए प्रथम पद महा के हा में छुपी हुई बड़ा आ की मात्रा और दूसरा पद ऐश्वर्य का प्रथम पद आए, तो बड़ा आ और आए मिलकर हो गए आए, तो इस तरह महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। दूसरा है छोटा आ जमा ओ बराबर औ, इस तरह परम जमा औज ओज बराबर परमौज। अब देखिए परम की अंतिम ध्वनि मा में छुपा हुआ छोटा आ और दूसरा पद ओज की प्रथम ध्वनि ओ, तो आ और ओ मिलकर हो गए औ, तो इस तरह परम जमा ओज बराबर परमौज। अब दूसरा है बड़ा आ जमा ओ बराबर औ, इस तरह महा जमा औज बराबर महौज। अब देखिए प्रथम पद है महा, महा के हा में छुपी हुई बड़ा आ की मात्रा और दूसरा पद है औज, औज की प्रथम ध्वनि औ, तो बड़ा आ और औ दोनों मिलकर हो गए औ, इस तरह महा जमा औज बराबर महौज। अगला है छोटा आ जमा औ बराबर ओ बराबर औ, इस तरह वन जमा औषधि बराबर वन औषधि, तो वन वन की अंतिम ध्वनि ना में छुपा हुआ छोटा आ और औषधि का प्रथम ध्वनि औ, तो छोटा आ और औ मिलकर हो गए औ, तो इस तरह वन जमा औषधि बराबर वन औषधि। अगला है बड़ा आ जमा औ बराबर औ, जैसे महा जमा औदार बराबर महोदार। जैसे देखिए महा के अंतिम ध्वनि हा में छुपा हुआ बड़ा आ और दूसरा पद औ, तो बड़ा आ और औ मिलकर बन गए औ, तो इस तरह महा जमा औदार बराबर महोदार। अब हम अध्ययन करते हैं यण संधि, तो आइए यण संधि देखते हैं। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री के आगे इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः या, वा और रा हो जाता है। जैसे छोटी ई या बड़ी ई जमा आ बराबर या, जैसे अति धन अंत बराबर अत्यंत। अब देखिए अति प्रथम पद अति, तो ता में छुपी हुई छोटी ई जमा अंत, तो अंत का पहला अक्षर आ, तो अति जमा अंत बराबर अत्यंत। दूसरा है अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक, पहला पद है अति तो ता में छुपी हुई छोटी ई और दूसरा पद है अधिक का आ,
तो छोटी और छोटा आ मिलकर हो गए या। इस तरह अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक। अगला है छोटी ई या बड़ी ई जमा बड़ा आ बराबर या। जैसे इति जमा आदि बराबर इत्यादि। अब देखिए प्रथम पद है इति, तो ता में छुपी हुई छोटी ई जमा आदि। तो दूसरा पद है आदि, आदि का प्रथम ध्वनि बड़ा आ, तो छोटी ई और बड़ा आ मिलकर हो गए या। इस तरह इति जमा आदि बराबर इत्यादि। देखिए इत्यादि में या आ गया और या पर बड़ा की मात्रा का भी आरोप है, तो इस तरह सिद्ध होता है कि छोटी या बड़ी जमा बड़ा आ बराबर या। ई या बड़ी ई जमा छोटा उ बराबर यू। इस तरह अभी जमा उदय बराबर अभ्युदय। अब देखिए भा में छुपी हुई छोटी ई और उदय का पहला पद छोटा उ, तो छोटी और छोटा उ मिलकर बन गए यू। तो इस तरह अभी जमा उदय बराबर अभ्युदय। दूसरा है छोटी ई या बड़ी ई जमा बड़ा उ बराबर यू। इस तरह नी जमा ऊन बराबर न्यून। अब देखिए ना में छोटी की मात्रा का आरोप है, तो यह हो गई छोटी ई जमा बड़ा उ, तो छोटी ई जमा बड़ा उ बराबर यू। इस तरह नी जमा ऊन बराबर न्यून। अगला है वी जमा उ बराबर व्यू। अगवा में छोटी ई की मात्रा का आरोप है, तो यहाँ हो गई छोटी ई। दूसरा पद है ऊ में बड़ा उ, तो छोटी ई और बड़ा उ मिलकर हो गए यू। तो इस तरह वी जमा उ बराबर व्यू। अगला है छोटी ई या बड़ी ई जमा ए बराबर ये। जैसे प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। अब देखिए ता में छोटी ई, ता में कौन सी ध्वनि छुटी छुपी हुई है, छोटी ई, और दूसरे पद में ए, तो छोटी ई और ए मिलकर बन गए ये। तो जैसे प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, छोटा उ या बड़ा उ जमा छोटा आ बराबर वा। इस तरह सु धन अस्ति बराबर स्वस्ति। अब देखिए सु में छोटा उ की मात्रा लगी हुई है, तो ये छोटा उ का संकेत करता है, और अस्ति में पहला ध्वनि आ है, तो छोटा उ और आ मिलकर वा बन गए। सु जमा अस्ति बराबर स्वस्ति। ये हुई आपकी यण संधि। अब आगे हम अयादि संधि के बारे में जानते हैं। तो ए ऐ ओ औ के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर ए ऐ और ओ औ के स्थान पर क्रमशः ऐ आय और औ आ हो जाता है। जैसे ए जमा आ या बड़ा आ बराबर ऐ या आय। जैसे ने जमा अन बराबर नयन। अब न पर ए की मात्रा का आरोप है और अन का छोटा आ, तो ए और आ मिलकर हो गया आय बराबर ने धन ने जमा अन बराबर नयन। से जमा अन बराबर सयन। अब से में ए की मात्रा का आरोप और दूसरा सब आ, तो ए और आ मिलकर हो गया आय, तो से जमा अन बराबर सयन। अगला है आय जमा आ या बड़ा आ बराबर आय। जैसे नय जमा अक बराबर नायक। अब नय पर आय की मात्रा का आरोप है, तो ये हो गया आय और दूसरे पद में आ है, तो आय और आ मिलकर हो गए आय। तो इस तरह नय जमा अक बराबर नायक। दूसरा है गय जमा अन बराबर गायन। तो गा पर आय की मात्रा का आरोप है, तो ये हुआ आय जमा अन में आ गायन। अगला है ओ जमा आ या बड़ा आ बराबर अव। जैसे हो जमा अन बराबर अवन। अब देखिए हा में छुपी ओ की मात्रा और अन का पहला शब्द आ, तो ओ और आ मिलकर बन गए बड़ा आ। तो इस तरह हो जमा अन बराबर हवन, पो जमा अन बराबर पवन, दोनों एक ही जैसे हैं। अगला देखिए आओ जमा छोटा आ या बड़ा आ बराबर आओ। जैसे पाओ जमा अन बराबर पावन। देखिए पा पर औ की मात्रा का आरोप है, तो ये हो गया औ और अन में छोटा आ है पहला शब्द, तो औ और आ मिलकर हो गए आओ, तो पाओ जमा अन बराबर पावन। दूसरा है पाओ जमा अक बराबर पावक। तो इस तरह आपका ये अयादि संधि समाप्त हुआ। तो इस तरह आपने
संधि की परिभाषा और उसके भेदों की कंप्लीट जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।